माँ भारती वेलफेयर की ओर से कमला अर्णव चैरिटेबल फाउंडेशन न्यू पनवेल में जरूरतमंद छात्रों को स्कूली शिक्षा सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर माँ भारती वेलफेयर के अध्यक्ष मनोज कुमार मौर्या, उन्होंने इन बच्चों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि वे भविष्य में ऐसे जरूरतमंद बच्चों की मदद करते रहेंगे। यहाँ आए गणमान्य लोगों ने भी इन बच्चों के चेहरों पर खुशी और अपनापन ला दिया। माँ भारती वेलफेयर फाउंडेशन के निर्देशक मनोज कुमार मौर्या, अंजू मनोज मौर्या और उनके साथ भारतीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष अवधेश कुमार महतो, उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, गौतम कुमार, मनोज कुमार यादव, रश्मि सिंह, सोनी यादव, एडवोकेट सुनील कुमार मौर्या उपस्थित थे। माँ भारती वेलफेयर फाउंडेशन के निर्देशक मनोज कुमार मौर्या ने कहा कि एक बच्चे का पढ़ाई लिखाई का खर्च माँ भारती वेलफेयर फाउंडेशन हम लोग ने ऐसे सोचा है, हम लोग को एजुकेशन पे काम करना है, एज ए शिक्षा पे, और जो गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित है उनको हम लोग शिक्षा पहुँचाएंगे। और हम आज पनवेल में एक आया हूँ, यहाँ पे हम लोग बुक का वितरण कर रहा हूँ और इसमें से एक बच्चे का एजुकेशनल एडाप्ट कि उसका साल का जो भी फीस आएगा हमारी संस्था देगी और संस्था आगे बढ़ेगी, हम और बच्चे को एडाप्ट करके जो भी एजुकेशन संबंधी जितनी भी लगेगी वो हम लोग देंगे। मोनिया जी, ये सोच वेलफेयर हम लोग क्षेत्र में जगह जगह जाते हैं और जहाँ अपने को सूचना मिलती है कि कोई बच्चों को बुक की जरूरत है या कोई जरूरत है तो हम लोग पहुँचते हैं, वहाँ पूछते हैं, देखते हैं तो बुक दिया जाता है और उनको जरूरत पड़ता है तो हम लोग ज़्यादा दिक्कत है कि फीस का, तो हम लोग आगे से फीस का भी व्यवस्था करेंगे। और हमारे जो संस्था के पदाधिकारी लोग हैं और सदस्य लोग हैं हर जगह पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, जो भी सूचना आती है आप लोगों के माध्यम से मिलता है वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं और जो भी एजुकेशन संबंधी दिक्कत होती है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली मैं कमल काटकर, कमल अर्णव चैरिटेबल ट्रस्ट की संचालिका, आप सबका पहला धन्यवाद करती हूँ माँ भारती वेलफेयर फाउंडेशन के लोग, अभी एडवोकेट सुनील मौर्या, आपका नाम मनोज कुमार, उनकी मिसेस कुमार, मिसेस यादव, ये सब लोग आए, उन्होंने बच्चों को नोटबुक्स, खाना, कंपास बॉक्स, बिस्किट ये सब दिया। वो सब लोग का मैं पहला आभार मानती हूँ कि आप लोग यहाँ पे उलवे से आए, बच्चों लोगों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, बच्चों लोगों को कुछ खाना दिया, ये सब दिया, उसके लिए पहले धन्यवाद। और ऐसा एक्सपेक्ट होप रखती हूँ कि आप हमेशा हमें जुड़े रहेंगे और हमेशा ऐसी मदद करेंगे। अभी एक बच्चे का अडॉप्शन, एजुकेशनल अडॉप्शन भी किया है, जो भी वो लड़के का एजुकेशनल जो भी खर्चा आएगा वो आपकी संस्था करेगी, ये उन्होंने प्रॉमिस किया है, उसके लिए भी धन्यवाद। और आगे हमें कुछ ऐसा ज़रूरत भी लगी तो ज़रूर मांगेंगे और फिर एक बार सब लोगों का धन्यवाद। बाहर कोई गया वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के शायद वो सर थे, ठीक है, फिर एक बार धन्यवाद, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, FS न्यूज़।